दोस्तों जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे होंगे, इस मॉडल का साइज है 40x60। अब 40x60 अगर इस हाउस प्लान की हम बात करें, जैसे कि आपने मॉडल देखा होगा थंबनेल पर भी, तो बहुत ही बेहतरीन डिजाइन आज मैंने तैयार किया है। आप लोगों के कहने पर एक सब्सक्राइबर था, उन्होंने बोला सर मुझे 40x60 का एक हाउस प्लान चाहिए। इस हाउस प्लान में दोस्तों आपको कार पार्किंग भी मिलेगी और प्ले ग्राउंड भी मिलेगा, मतलब सारी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है आपको, जो ऐसा कि आप मॉडल पर देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें इस मॉडल की चौड़ाई की, तो ये 40 फिट है और लंबाई है 60 फिट। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऐसा दिखने वाला है, सपोज दैट अगर आपके साइड में मकान बने हैं तो आपको फ्रंट से ये मकान ऐसा दिखेगा। अगर हम टॉप व्यू करें ऊपर से, आपको ये ऐसा दिखने वाला है, और साइड से आपको एक तरफ से तो ऐसा दिखेगा जैसे कि आप देख पा रहे होगे, और बिल्कुल पीछे अगर हम बात करें बैक की और साइड की, तो आपको ये ऐसा दिखने वाला है। तो ये पूरा मॉडल है आपका जो मैं डिस्कस करूंगा, इसका ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर जो मैंने डिजाइन किया है। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला सर मुझे 40x60 का डिजाइन चाहिए, तो उन्हीं के कहने पर मैंने डिजाइन ये प्रिपेयर किया है। अगर आपको भी कोई रिक्वायरमेंट है डिजाइन की, तो मुझे कमेंट करके बताएं सर मुझे ये डिजाइन चाहिए, और अगर ये डिजाइन आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपसे गुजारिश एक और करूंगा, अगर आप ऐसे वीडियो लगातार चाहते हैं अगर होम डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्मॉल हाउस प्लान, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉडल मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हर एक टाइप के, हर एक मॉडल के आप प्लम्बरिंग का काम भी खुद से कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पर टाइल्स लगाने का काम भी आप खुद से कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पर डिजाइनिंग से रिलेटेड मिल जाती है। तो चलो हम इस मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, तो हमेशा की तरह इसको हम फिर से ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखाएंगे, जैसा कि मैं लगातार आपको कोई भी मॉडल हो इसको सबसे पहले मैं ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मॉडल ट्रांसपेरेंट हो चुका है, जैसे आप इसको अगर देखते हैं तो पूरा ट्रांसपेरेंट मॉडल है ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर ट्रांसपेरेंट की बात करें, देखिएगा सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंस दिखने वाला है यहाँ पर। ये देखिएगा मॉडल, आप पूरा साइड से देख लें और बैक से भी देख लें, ये आपको मॉडल ट्रांसपेरेंसी में दिखने वाला है। अगर हम इसकी टॉप व्यू की बात करें ट्रांसपेरेंसी में, तो आपको ये दिखेगा, और फ्रंट से आपको ट्रांसपेरेंसी में ये दिखने वाला है। तो चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव कर लेते हैं और इसको हम ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आ जाते हैं। ये आपका ओरिजिनल मॉडल है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम इसको ले चलेंगे ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, तो सबसे मेन डोर में आपका मेन फ्रंट से आपको ये मॉडल दिखेगा। और अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आपको प्रत्येक रूम की और इनकी सबका साइज जाना है, तो हमारा एक वेबसाइट है जिसका नाम है smallhouseplan.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहाँ पर जाएं, आपको यहाँ पूरा साइज दिखेगा। 2D मॉडल भी दिखने वाला होता है यहाँ पर, आपको पूरा साइज दिखेगा विथ डायमेंशन। तो देखिएगा जैसे आप इसका मेन डोर जो मैंने दिया, ये मेन डोर दिया है, और जैसे आप यहाँ से एंटर करते हैं, तो अगर हम बात करें इसे मॉडल की, तो हम इसको पीछे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक ये बेडरूम है, एक ये बेडरूम है, और आपके एक बेडरूम, ये चार बेडरूम आपका ग्राउंड फ्लोर पे आपको देखने को मिल रहा होगा। साइज आप देख सकते हो वेबसाइट पर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा साइज आप देखें। अब इसके बाद देखिए मेन डोर आपका ये हो गया, और ये मैंने एक गैलरी दिया, इसका भी साइज आप देख सकते हो, गैलरी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि साइज आपके पास पर्याप्त जगह है मॉडल को डिजाइन करने के, 40x60 बहुत ही जगह होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो मैंने गैलरी दिया, यहाँ पर आप कार पार्किंग एक नहीं, दो नहीं, तीन कर सकते हैं, क्योंकि 60 फीट आपका लंबाई है, तो आपने यहाँ 3 से 4 बाइक गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड 4 व्हीलर। और इसके बाद जैसे मैंने जो ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये प्ले ग्राउंड मैंने दिया है। और स्टेयर्स की बात करें तो एल साइज की हैं, और जो कि मैंने बाहर से दिए हैं, और स्टेयर्स के नीचे आपका यहाँ पर मैंने लेटरिन और बाथरूम डिजाइन किया है। अगर आप चाहें तो आप अंदर भी लेटरिन और बाथरूम डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने बाहर लेटरिन और बाथरूम दोनों डिजाइन किया है। अगर आप चाहते हैं तो जैसा कि मैंने, ये आपको किचन देख पा रहे होंगे, ये किचन है, तो ब्लू सेम टू सेम यहाँ पर आप बाथरूम अपना डिजाइन कर सकते हैं, लेटरिन बाहर रख सकते हैं, बट मैंने दोनों चीज़ें बाहर डिजाइन कर दी कंबाइंड करके। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बाथरूम अंदर रहे, तो जैसा ये मैंने किचन दोस्तों, ये किचन आप यहाँ पर एक ऐसा और बनाकर यहाँ अपना आप बाथरूम डिजाइन करवा सकते हैं। तो अगर हम इस वाले रूम की एंट्री की बात करें, तो आपको ये एक डोर मिलता है बाहर से, ये विंडो है, और ये एक मेन डोर है, यहाँ से गैलरी ये गया है ना, जो ये आप यहाँ से एंटर करेंगे और आप अंदर चले जाएंगे। इस रूम के लिए मैंने वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो दे रखा है, इसके लिए यहाँ दे रखा है, और ये ग्लासेस लगा रखे हैं मैंने गैलरी पर, कोई भी
आपका दरवाजा नहीं दिया। जैसे अंदर आते हैं तो इस रूम और इस रूम के लिए सेम मैंने यहाँ पर डोर दिया है, जैसे कि आप इसमें एंटर करेंगे या इसमें एंटर करेंगे। अगर हम गैलरी की बात करें तो आप गैलरी से भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं मैंने, बट ऐसा कोई डोर नहीं दिया, सिर्फ ग्लास दे दिया है वेंटिलेशन के लिए। और इस वाले हॉल में आप सामने से भी आ सकते हैं या अपने गैलरी से भी एंटर कर सकते हैं, और आपका बड़ा सा यहाँ पर हॉल मिल जाता है। आप यहाँ पर कोई भी चीज़ सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। ये आपका किचन है फ्रंट, और लास्ट में मैंने दो रूम दिए हैं और एक ये रूम है, ये दोनों के लिए अलग अलग डोर है। और उसमें बीच में जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने लेटरिंग दे दिया है अंदर से, अगर सपोज आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो इस रूम के लिए ये वाला लेटरिंग है और इस रूम के लिए पीछे वाला लेटरिंग है। आप अलग अलग यहाँ पर लेटरिंग भी कमांड कर सकते हैं, या आप चाहें अगर आप ये वाला पूरा यहाँ पर लेटरिंग और बाथरूम दोनों कमांड करके भी बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ये भी आप कर सकते हैं। तो इस वाले रूम के लिए यहाँ से भी मैंने एक डोर दिया है, अगर आप गैलरी से जाना चाहें तो यहाँ पर भी इंटर कर सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा डिजाइनिंग दे दिया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और फ्रंट पे भी मैंने थोड़ा डिजाइन कर दिया है। ये आपका प्लेग्राउंड है, पूरा साइज आप वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया ग्राउंड फ्लोर। कैसा लगा मुझे दोस्तों, लाइक जरूर करें वीडियो को और इससे वीडियो शेयर जरूर करें। अब मैं आपको ले चलूंगा फर्स्ट फ्लोर पर। देखिएगा जैसा कि आप यहाँ पर, ये मैंने सबसे पहले ये आप जो डिजाइनिंग देख रहे हैं ये तो आपका बालकनी है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने डिजाइनिंग दिया है ये बालकनी में, आप देख पा रहे होंगे। जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आते हैं तो ये फिर से वही सेम स्टेयर्स वाला पोर्शन को सेम है, और ये वाला आपका बेडरूम जो नीचे बना था सेम वही बेडरूम यहाँ पर भी डिजाइन किया है, और पीछे वाला भी चीज दोनों बिल्कुल सेम टू सेम मैंने डिजाइन कर रखा है। और ये आपका देखिएगा यहाँ पर बहुत बड़ा सा ग्राउंड आपको मिलेगा, बहुत बड़ा सा ये जगह मिलेगा, और यहाँ पर आप कार पार्किंग या बाइक पार्किंग नीचे वाले फ्लोर पर कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें लास्ट फ्लोर की, देखिएगा ये मैंने फिर से ये बाउंड्री कर दिया है, बालकनी चारों तरफ कर दिया है। और यहाँ पर आप, अब बात करें स्टेयर्स आपका यहाँ पर है दोस्तों, तो मैंने स्टेयर्स को ढक दिया है, आप देख पा रहे हो डिजाइनिंग। लेकिन अगर हम बात करें आप इस स्टेयर से इस रूम पर, इस छत पर तो आ जाएंगे रूफ पर यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो इसके लिए आपको एक सीढ़ी अलग से लगानी पड़ेगी जब भी आप इस रूफ पर जा पाएंगे। तो ये पूरा डिजाइन था जैसा कि आप देख पा रहे हो फ्रंट से, और इसका टॉप व्यू ऐसा है और पूरा डिजाइन ऐसा है। तो ये 40x60 का डिजाइन था आज, काफी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन था, तो मैंने सोचा आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो ये दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें, और ये आपको मॉडल कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप कोई भी स्पेसिफिक मॉडल चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपका मॉडल जरूर डिजाइन करूंगा, ये तो पॉसिबल होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और पूरा डायमेंशन जानने के लिए दोस्तों आप वेबसाइट पर विजिट करें, इसका